ये तो हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि जब जब मोदी जी संकट में होते हैं वो अपने सबसे प्रबल घटक दल ईडी को मैदान में उतार देते हैं। और इससे पूरी तरह से ये साफ हो चुका है कि जो दो बचे हुए चुनाव हैं, तेलंगाना में तो वो निस्तो नाबूत है और राजस्थान भी वो बुरी तरह से हारने वाले हैं, अन्यथा वो ईडी से ये कार्रवाई ना कराते। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ मुद्दे से भटकाने के लिए कार्रवाई कराई गई है। लेकिन जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रकाशित अखबार जो स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख और प्रखर आवाज था कहता है, फ्रीडम इज इन पेरिल एंड डिफेंड विद ऑल योर माइट, हम बिल्कुल ऐसा करेंगे। अगर आप कानूनी तौर पर भी देखिए तो यहाँ पर कोई एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ पर मनी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, यहाँ पर कोई शिकायतकर्ता नहीं है, यहाँ पर किसी ने नहीं कहा कि उसके हक का हनन हुआ है। तो ये किस बात पे कार्रवाई हो रही है? ये एक राजनीतिक साजिश है, एक षड्यंत्र है, वो होने दीजिए, जनता इसका जवाब देगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।